और उसके बाद हम आ गए ज्वेलरी शॉप। यहाँ से भाभी हमेशा लेती हैं, आपको पता है भगवान कलेक्शन के साइड वाली शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी का जो कलेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और हमें ना अपने जो निकाह के बाद के पहनने वाले कपड़े हैं उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स लेने थे, और कुछ रस्मों के भी नेकलेस लेने थे, टीका लेना था। आपको पता है यहाँ कलेक्शन अच्छा है, तो हमने कहा हम यहीं से आके ले लेते हैं। बड़ा लग रहा है। हाँ। वो मतलब विड्थ में है ना, तो वो फेस कट के साथ नहीं जा रहा है। हाँ, छोटा भी है। हाँ ये ऐसा है ना कि ये काफी आउटफिट्स के साथ चला जाएगा, इसमें कोई कलर स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। और ये शॉप की सबसे अच्छी बात कि वो कस्टमाइज़ कर देते हैं कोई से भी कलर में, कोई भी डिज़ाइन में, तो भाभी उसी का कुछ ऑर्डर दे रही थी। और साथ साथ हाथ फूल भी तो होना चाहिए, सबने कहा, तो यहाँ पे हाथ फूल ट्राई कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको ट्राई करने में। और यहाँ पे वो पासा भी ट्राई कर रहे थे अलग अलग कलर्स में, तो ये वाइट मोती में था और ये ग्रीन मोती में था। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बताइएगा। फ्रेंड्स, पिछले 2.5-3 घंटे से हम लोग शॉप पे हैं और कैसे बैठ के पसंद कर रहे हैं आराम से, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान है। हमारी है ये। हमारी सब कुछ हो गया है, तो अभी रिंग्स होना चाहिए, तो हमने रिंग भी ट्राई करी। बजने वाले घुंघरू नहीं होते? हाँ, मेरे को काफी जन पूछते हैं। अच्छा, लेकिन भाई ये आप आपके टाइप का है, ये ले लो। उंगलियों में भी रिंग्स की जगह नहीं बची, थैंक्स टू माय हस्बैंड। अच्छा, हाँ लूज है लेकिन।